तो कुछ लोगों को ज़्यारत अगर होती है तो वो ऐसे होती है जैसे धुंधली सी ज़्यारत हो, जैसे अंधेरे में देखना, और कुछ को वाज़े ज़्यारत होती है और बिल्कुल क्लियर नज़र आता है। और साथ में जब कोई औलिया इकराम ज़्यारत करवाता है तो उसको जिससे भी फैज़ होता है वो भी नज़र आता है, और उससे आदमी जान जाता है कि इसको कहाँ से फैज़ है। मिसाल के तौर पे अगर कोई नया बंदा अगर लताइफ़ एक्टिवेट करता है तो उसको फरिश्ते नज़र आएंगे, अगर उसका कलब से अगर उसका दिल देखेगा, कलब देखेगा तो उसको फरिश्ते नज़र आएंगे। और अगर उससे ज़्यादा उसकी रियाजत होगी तो वो मरीख, वो रूह की मंजिल होती है, तो फिर वो अरवाह को देखेगा। और इसी तरह अगर कोई रोशन ज़मीर यानि एक लताइफ़ उसके एक्टिवेट हैं, अल्लाह का बंदा है, तो वो जब देखता है तो उसके देखने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। वो जब देखेगा किसी फ़कीर को तो उसको वो नज़र आएगा कि उससे कौन से रंग की रोशनी निकल रही है, यानि जिस बुज़ुर्ग या वली को देखेगा तो वो साहिब जिसकी ज़्यारत की जाएगी होती है ख्वाब में, उसको अगर पीले रंग का नूर निकलता है तो वो समझ जाता है कि इसके कलब का नूर ज़ाहिर होता है, कलब से फैज़ है, यानि वो कलब का वो है। इसी तरह कुछ जो हैं उनसे सुर्ख रंग का नूर निकलता है तो वो रूह का नूर होता है। कुछ औलिया इकराम की जब ज़्यारत होती है तो बिल्कुल सफ़ेद नूर निकलता है, दूधिया, तो वो अल्लाह का बंदा समझ जाता है कि इसको सरी का जो है वो फैज़ है, तो उससे आदमी समझ जाता है। लिखा हुआ नहीं होता, क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी की ज़बान है, तसव्वुर की ज़बान है, इमेजिनेशन की, उसमें ये चीज़ें नहीं होती कि तो उसकी उस तरह की जो है ज़्यारत होती है। और हर आदमी जब देखता है तो उसको इस वजह से उसको जब ज़्यारतें होती हैं औलिया इकराम की तो उनमें से मुख्तलिफ किस्म के नूर फूटते हैं, नूर झलकते हैं, नूर निकलते नज़र आएंगे, उससे वो गेस कर जाता है कि ये किस लतीफ़ास का नूर है। तो इस तरह से जिसके जितने मदारज होते हैं वो ज़ाहिर हो जाते हैं। तो तसव्वुर में, स्पिरिचुअलिटी में हम उस नूर को देखते हुए पहचान लेते हैं कि हमने किस अल्लाह के वली की जो जिसकी भी ज़्यारत की है और ये किस नूर को हमें दिखा रहा है। क्योंकि हर आदमी की ताकत सलाहियत नहीं होती है कि उसकी फुल ताकत वाली ज़्यारत कर सके,
तो वो जब ज़्यारत कराता है तो वो सामने वाले की ताकत को देखते हुए ज़्यारत कराता है, और उस ज़्यारत में जितनी ताकत ख्वाब देखने वाले की होती है उसके मुताबिक उसको दिखाया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई क्लब की ताकत रखता है तो उसको वो रूह वो हस्ती वो जो है वो क्लब वाली सूरत में नज़र आएगी, किसी को रूह की सूरत में नज़र आएगी, किसी को सरी की सूरत में नज़र आएगी, किसी को खफ़ी की सूरत में नज़र आएगी, किसी को अख़फ़ा की सूरत में नज़र आएगी। गर्ज़ ये कि जिस तरह की हैसियत होती है बंदे की उसके मुताबिक अल्लाह ताला अपने महबूबों को की ज़ियारत उनको करवाता है। इस वजह से सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो ज़ियारत होती है वो मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ नज़र आती है, किसी को आम नज़र आती है, किसी को उस नूरानी तजल्ली की सूरत में नज़र आती है। अगर वो नूरानी तजल्ली कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता तो फिर उसको वो नहीं आएगी नज़र, बल्कि उसको अमूमी दूसरी ज़्यारतें होंगी, क्योंकि एक नूर होता है, एक नूर खीरा करने आँखों को खीरा करने वाला बिल्कुल नूर, तो अब उसको कोई बर्दाश्त कर सके कोई नहीं कर सके, कोई डर जाए कोई किस तरह से, तो इस वजह से उनको जो ज़्यारात होती हैं उनमें इस वजह से इख्तलाफ होता है। और हर जो भी ख्वाब देखेगा उसके मुशाहदे में मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आएंगी, किसी बुज़ुर्ग की भी अगर ज़्यारत होगी तो भी मुख्तलिफ होगी, क्योंकि जिस आदमी के अंदर जितनी पावर होती है, मैंने कहा था आपका दिमाग डिस्प्ले स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे वो नज़र आएगा, जो आपके क्लब में जो आपके हार्ड डिस्क में चल रहा है वो आएगा नज़र। लेकिन वो हार्ड डिस्क में जब चलेगा तो हार्ड डिस्क आप में कितने प्रोग्राम एक्टिवेट हैं, यानी आपका क्लब का जिक्र चल रहा है, रूह का चल रहा है, खफी का चल रहा है, अख़फ़ा का चल रहा है, किस लेवल पे आप चल रहे हैं, जिस लेवल पे आप चल रहे हैं उस लेवल की आपको ज़्यारत होंगी। उससे अगर ओवर किसी ने ज़्यारत हो जाती है तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई जज़ब में चला जाता है, कोई कुछ कैफियत में चला जाता है, तो ये कैफियतें उन तजलियात की वजह से होती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नूरानी तजली वाली ज़्यारत है वो सब लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, और उस पर आँखें जो हैं टिकती नहीं हैं, बल्कि समझो कि इंसान सर झुकाए खड़ा होता है, ताकत नहीं होती है उसकी तरफ देखने की। तो ये कैटेगरीज होती हैं ज़्यारात की। तो इंशाल्लाह ताला अल-अज़ीज़ आप लोगों से इस्तफादा करेंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व आल इब्राहिम इन्नक हमीदुन मजीद, अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद व आल मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहिम व आल इब्राहिम इन्नक हमीदुन मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंसान ख्वाब देखता है और ख्वाबों की ताबीरात भी होती हैं, इंसान ख्वाबों में फरिश्ते भी देखता है, इंसान ख्वाबों में औलिया किराम को भी देखता है, और इंसान ख्वाबों में अंबिया किराम को भी देखता है। और अगर हम मुसलमान हैं तो इंसान ख्वाबों में सहाबा को भी देखता है, क्योंकि दीगर लोग तो सहाबा को मानते नहीं हैं, लेकिन पासिबले कोई भी देख सकता है, या आइमा किराम अलैहिस्सलाम अजमैन को देख सकता है।
जब भी कोई ज़ियारत होती है किसी बंदे से भी पूछेंगे तो वो डिस्क्राइब दूसरे तरीके से करेगा। यानी अगर हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुबारका की बात करें तो आपकी ज़ियारत बहुत सारे औलिया कराम ने की, बहुत सारे उलमा कराम ने की और किताबों में लिखा हुआ है। लोग जब उनके वाक़यात पढ़ते हैं या देखते हैं तो हर एक मुख्तलिफ तरीके से डिस्क्राइब करता है और हर बंदा, हर मोहब्बत करने वाला उसको मुख्तलिफ अंदाज में बयान करता है। और औलिया इकराम की भी अगर कोई ज़ियारत करता है तो वो भी